से घर टूट गए यार, ओ शिट। पीछे देखा था बस के ऊपर पूरा की पूरा पेड़। खंबे टेढ़े पड़ गए, इस एरिया में लाइट नहीं होगी। वेलकम बैक मेरे दोस्तों। गर्मा गर्म चीज सैंडविच के चटकारे मारने के बाद हमारी मोटर होम में म्यूजिक एंजॉय करते हुए अब हम निकल चुके हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो फ्लोरिडा के एक आइलैंड पर है। वहां पहुंचने के लिए हमें क्रॉस करना होगा कुछ हरिकेन डिजास्टर एरियाज को। लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट। हम प्रोपेन भरवाने आए हैं, गैस यूज की थी ना, तो थोड़ी भरवा लेते हैं। 7 दिन का है प्लान, तो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है। तो ये सेल्फ तो नहीं भर सकते हैं, असिस्टेंस के साथ ही भरना होता है। तो ये सर अभी भर रहे हैं। कितना लिखा, कितना आया प्रोपेन? 3.19 पर गैलन है। हाँ, और हमारे उसमें भरा गया 3.9 गैलन। अच्छा, 3.9 गैलन है ये। ओके, गॉट इट। हाँ, मैं वही सोचूं 3.9 डॉलर्स कैसे हुआ। वहीं पे करके आ दो, मुझे हमारा मोटर रूम खुला हुआ है तो सामान वगैरह सब वहीं पे है। हाँ ठीक है, ट्रैक्टर सप्लाई वगैरह ये पे करके आ दो। ठीक है ठीक है। तो यार यहाँ पे ना प्रोपेन ऐसे हर कहीं नहीं मिलती। हम लोगों को भी यही लगता था कि शायद पेट्रोल पंप, सारे टाइप के पेट्रोल पंप पे मिलती होगी, बट हम लोग ने बहुत सर्च किया था, पता पड़ा कि अच्छा एक ट्रैक्टर सप्लाई करके कुछ होता है, हमें भी नहीं पता था। प्रोपेन हमने अपनी भरवा ली है। जनरली क्या होता है कि प्रोपेन हर जगह अवेलेबल नहीं होती, और इसके लिए स्पेशल बंदा ही होता है, वो प्रोपेन ही भरता है। तो अभी लॉन्ग वीकेंड आ गया है तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, स्टोर्स वगैरह काफ़ी सारी बंद रहती है। तो लकीली हमको अभी यहाँ पे मिल गया बंदा जो भरने वाला है, और उसमें प्रोपेन भी अवेलेबल है। तो हमारे मोटर रूम में 3 जगह काम में आती है प्रोपेन। एक तो होता है हमारे वाटर हीटर में, गैस स्टोव में, और तीसरा हमारा होता है रेफ्रिजरेटर में, और फ्रीजर भी उसी से चलता है। चलो लेट्स कंटिन्यू, दिखाते हैं आपको कैसा कैसा सफ़र रहता है हमारा। हेलो गाइस, क्या बताना चाह रहे हो आप सबको? कुछ नहीं, बस मैं ये बताना चाह रहा था कि हम 2 घंटे हो चुके हैं हमको चले हुए, और जो हमारी कैंप साइट थी वहां से अब हमको रफली 2 घंटे 40 मिनट और लगेंगे हमारे सेकंड कैंप साइट, जो आइलैंड पे जा रहे हैं हम। उसका नाम है डॉक्टर जूलियन स्टेट पार्क। एक छोटी सी सिटी आई है, क्यूट सी है, मायो नाम है इसका। ये आपको पानी की टंकी दिख रही है सामने, यहाँ पे भी होती है पानी की टंकियाँ। ये मायो है भाई, मायो बढ़िया है। मायो नहीं, बढ़िया है इस बारी पानी की टंकी में। सच में सही है, बढ़िया है। छोटी सी देखा ना कैसे सब काम कर रहा है। छोटा सा गांव है ये, गांव राया है, राया बहुत ही छोटा सा। मथुरा के पास है ना, राया जगह पड़ती है, वैसा है गाँव है। ये एक और सिटी आई है, इसका नाम है पैरी। कितना छोटा छोटा सा, यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है, CVS। अबे ये अभी हरिकेन आया था ना फ्लोरिडा में, देखो कैसे घर टूट गए यार, ओ शिट। अभी रास्ते में ना इतने सारे पेड़ टूटे हुए मिले थे, मतलब इस एरिया में हम लोग को दिख रहा है, ये देखना कैसे सब उड़ा हुआ है। इस एरिया में ना हमें दिख रहा है प्रॉपर की जो परसों कैलाशी में बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा पेड़ गिरे पर हुए, हर थोड़ी थोड़ी देर में गिरे पड़े हैं, छत उड़ी पड़ी है, दिख रहा है इसमें प्रॉपर। देखना हम पहले 2 दिन पहले आने वाले, कैसा पेड़ पेड़ गिरे हुए हैं ये देखना। ओ भाई साहब, ये सब गिरा पड़ा है, सब ये सब ताजा ताजा है, ये सब कल का ही है हाल, क्योंकि पुराना होता तो अब तक क्लीन हो चुका होता। जो भी हरिकेन आया था ना, जो बात कर रहे थे कि 2 दिन पहले हम आने वाले थे, हमारा पोस्टपोन हुआ था इसी हरिकेन के चक्कर में हुआ था। अरे यार, ये तो एरिया में अब जैसे से आगे आ रहे हैं और पेड़ हमें दिख रहे, लाइट लाइट लाइट, सच में लाइट के खंबे निकले पड़े थे, टूटे पड़े थे पीछे, और अब ये आगे हम लोग को दिख रहा है कि कुछ लाइट का ही काम हो रहा है। फ्लोरिडा का नाम सुनते ही हमें याद आता है बीचेस, पार्टीज एंड लग्जरी, लेकिन फ्लोरिडा का एक भयानक सच भी है। फ्लोरिडा हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ हरिकेन्स इन द US. Did you know this? Which is about 40% of all US hurricanes. This area which you are seeing is affected by Idalia hurricane 2 days back, which came with a speed of 200 kilometers per hour with heavy rains and winds.
पीछे देखा था बस के ऊपर पूरा की पूरा पेड़ टूट के गिर गया था। स्कूल बस थी, पार्क होगी वो कहीं, ऊपर इतना मोटा पेड़ गिरा हुआ था। सालों साल लग जाते हैं एक घर बसाने में, सपनों का आशियाना मेहनत से पाने में, लेकिन एक तूफान उजाड़ देता है सब कुछ कुछ पलों में। ये है प्रकृति के रंग, कभी हलचल में कभी सन्नाटों में। कितना सही है, ऐसी ऐसे चल रहा है वो 70 किलोमीटर स्ट्रेट ही स्ट्रेट, और फिर हमारा आइलैंड आ जाएगा जहाँ पे आज हम कैंपिंग करेंगे पूरी नाइट। वाह सही है, कितना प्यारा, बहुत प्यारा है ये तो, बहुत मस्त है भाई। कलरफुल घर, ये रहा ग्रीन, येलो, ब्राउन, ओ वाओ, ब्लू, ग्रीन, वाओ, सारे कलर्स हैं यार, कितना अच्छा है। कलरफुल घर है, कलरफुल छत है, नॉट जस्ट घर, देख ना येलो पिंक ब्लू, आए ऐसी पेंटिंग नहीं बनाते बच्चे वैसा ही है, देख ना ये वाला पिंक, कितना प्यारा, एकदम वेकेशन वाली फील आ रही है। ये तो हम लोग एंटर हो रहे हैं, देखो कितना पानी है एंट्रेंस पे, ये जो कल हरिकेन आया है शायद ये उसी का दिख रहा है भाई, भरा हुआ है पूरा पानी, ये एंट्रेंस है आइलैंड की, ये शायद एकदम पास में है ना, देख कितना ऊपर ऊपर तक पानी आ रहा है, न्यू ची आर भी उसके भी इतने ऊपर तक आ रहा है दोनों तरफ से। ये उसने हमको मैप भी दिया है पूरा कैसे जाना है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें 4 माइल तक ड्राइव करना है, ये हम लोग यहाँ पे 4 माइल इस रोड पे जाएंगे तब कैंप साइट सारी शुरू होगी, और उसमें सी यहाँ पर कितना अच्छा पानी सामने ही दिख रहा है पूरा, तो जब कैंप साइट शुरू होगी उसके बाद हमारा है 5, और वहाँ का ये पूरा मैप है कहाँ पे ट्रेल्स हैं, वॉशरूम्स हैं, सारी डिटेल्स है, इसमें बीच किस तरफ है, टेराइन से चेंज हो गई है, मार्स लग रहा है ये तो यार मेरे को, नहीं व्हाइट सैंड है ना इसलिए यहाँ पे ये जो ड्यून्स भी बने हैं सारे व्हाइट सैंड के बने हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। पहुंच गए हैं हम हमारी कैंप साइट 5, ये है हमारी कैंप साइट, और ये है हमारी आरवी जो अब पार्क होने जा रही है, ये देखो सामने इनको, देखो टीवी भी चल रहा है, ये हमारे सामने एक टेंट है, और ये देखना यहाँ से बीच का एक्सेस है। हम आ गए थे आरवी पे और अपनी कैंप साइट पे, सेंट जूलियन स्टेट पार्क है ये, और यहाँ पे हमने अपना वाटर कनेक्शन कर लिया, इलेक्ट्रिक कनेक्शन कर लिया, और अब हम जा रहे हैं सामने बीच पे घूमने के लिए, तो जस्ट रोड के उस तरफ ही बीच है हमारा, तो हम बीच पे जा रहे हैं अभी, सनडाउनर के पहले यस बीच जा रहे हैं, और फिर आके
फिर हम फिर से फ्रेश अप होंगे और फिर डिनर की तैयारी करेंगे। यस लाइफगार्ड नहीं है भाई अपनी रिस्क पे स्विमिंग करना। और भाई ये जानवर पाए जाएंगे यहाँ पे, क्या है ये? ये तो सारे कछुए हैं, अलग अलग टाइप के। सांप भी बोले थे उसने, बहुत भयंकर वाले। एनाकोंडा। यस। ये यहीं से दिख गया बीच तक। आ गया। जन्नत व्यू आ गया। देखो। सेट हो चुका है, अंधेरा हो गया, वापस जा रहे हैं हम अपनी चप्पल हाथ में लेके, क्योंकि सैंड लग चुकी है पैरों में। कितने काले बादल से नहीं आ गए, ऐसा लग रहा है बारिश होगी। जल्दी जल्दी चलते हैं यार, फटफट अंदर घुस जाते हैं। दो मिनट का है, दो मिनट में पहुंच जाएंगे बस। बाय बाय, सी सुबह देखते हैं आपको। हाँ बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, बहुत ही अच्छा रहा, एकदम आए आराम से। इतना हमने एंजॉय कर लिया, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर हमने आराम से एंजॉय कर लिया, तो अच्छा रहा, अच्छा लगा। सनसेट भी देख लिया और एकदम सब अब अंधेरा, अब जाके आराम से हम डिनर करेंगे। ये क्या, ये देख ही नहीं रहा भाई, ये देखना क्या किया है मैंने। मैं तो लाई थी जूते, गलती से जूते पहन के आ गई थी, अब ये रेत वाले जूते तो वापस पहनूंगी नहीं। तो हम दोनों ने जो चप्पल थी वो एक एक पहन लिए पैर में, एक मैंने पहनी है, ये वाली पहन ली। कम से कम एक पैर को तो राहत मिलनी चाहिए। ये हमारी नूडल्स रेडी हैं, आज हम अपने मोटर होम में नूडल्स खाएंगे। मस्त लग रही है, बहुत टेस्टी बनाई है शुभांगी तूने, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। इसमें क्या क्या है? प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, बाकी सारे नूडल्स वाले। शुभांगी सोना नहीं है क्या? हो गया यार, खाना खा लिया, खाना खा लिया, बर्तन वगैरह धुल गए, आई थिंक बेड भी रेडी है। चलो यार सोते हैं अब, है ना? चलो गुड नाइट कर दो। सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बड़ों को राम राम, छोटों को प्यार। तो हमारे पिछले व्लॉग के जो क्विज था, लोगों ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच सभी लोगों का, सीरियसली। एंड इस वाले व्लॉग का हमारा क्विज है, हमारा क्वेश्चन इस बार है, जो हम लोगों ने प्रोपेन भरवाई थी वो हम लोगों ने कहां से भरवाई थी। एक जगह थी, हमने वीडियो में दिखाया है जहां पे हमने वो प्रोपेन फिलअप करवाई है, उस जगह का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्लीज कीप डूइंग दैट, कीप मोटिवेटिंग अस, कीप कमेंटिंग। हम लोग को आप जब आंसर्स देते हैं तो बड़ा मजा आता है पढ़ पढ़ के, और आप जो इतना सारा प्यार देते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी देख के हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत मजा आता है। सो कीप डूइंग दैट, थैंक यू सो मच एवरीवन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय मेरे दोस्तों, बाय बाय।